आज तक अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। ड्रग्स जांच में आप नाम सामने लाकर वो कह रहे हैं कि बिना ठोस प्रमाण के बॉलीवुड को खत्म और बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, आरोप उनका सीधा है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो भी नाम आए हैं सामने, हाँ, ये कोई एनसीबी या कोई एजेंसी नहीं लाई, एक दूसरे मामले की जांच चल रही थी और वहां से बढ़ते बढ़ते चीज स्वाभाविक रूप से यहां तक पहुंच गई। अंजना जी, मैं पहले ही बता चुका हूं, देश में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं एक जांच से शुरू होकर दूसरे तक पहुंची है। शायद बहुत से दर्शकों को याद ना हो कि बोफोर्स घोटाला कैसे प्रकाश में आया था। आपको पता है, भारतीय शेयर मार्केट में विदेशी इन्फ्लुएंस की जांच करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने एक एजेंसी हायर की थी, फेयरफैक्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और उससे जांच बढ़ते बढ़ते उन अकाउंट्स तक पहुंच गई जिसमें बोफोर्स का। तिवारी जी, अभी आवाज नहीं जा रही है, रुक जाइए, आऊंगी आपके पास, उनको बोल तो लेने दीजिए, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। तिवारी जी, प्रवचन नहीं करते ना। आज ये बात जो शुरू हुई सुशांत सिंह के मर्डर केस से, हाँ, अपने आप यहां तक आई है। वो जो चैट्स आए तो कोई एजेंसी तो नहीं। दूसरी बात, जो संजय राव जी बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया वो किसके लिए बोल रहे हैं। अपने लिए तो नहीं बोल रहे, अपनी सरकार के लिए, मतलब सरकार। अरे नहीं नहीं नहीं, ना कोरोना से लड़ना, आप हमें बदनाम कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं विकास कार्य करने की फुर्सत, आप हमें बदनाम कर रहे हैं बॉलीवुड के मामलों के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। ड्रग्स के केस में आपकी सरकार पार्टी बन कैसे रही है तिवारी जी? आप आते तिवारी जी, क्या तरीका है तिवारी जी? थोड़ा सा रुकिए, बोलने दीजिए। चैनल पर बहस करने की मर्यादा नहीं है तो शांत रहिए, अपने अपने टर्न पे बोलिए। बुजुर्ग आदमी होकर आप ऐसी बात करते हैं। देखिए, आपा खो दिया, सच बोला तो आपा खो दिया। आप खो रहे हैं भाई, एक शांति से बात चल रही है, बोला तो आपा खो दिया। अरे अभी अगला दिन है तो अब जो मैं बोल रहा हूँ उसका जवाब दीजिएगा। अभी देखिए, संजय राव जी कह रहे हैं कि भाई जब तक ठोस सबूत ना हो बयान नहीं देना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के बारे में क्या ठोस सबूत बयान दे रहे थे? इनको सिर्फ यही बयान देने, मतलब सुशांत सिंह राजपूत के केस पे मुंबई पुलिस बयान नहीं दे रही थी, जांच एजेंसी बयान नहीं दे रही थी, शिवसेना के प्रवक्ता बयान दे रहे थे। रिया चक्रवर्ती के केस पर मुंबई पुलिस बयान नहीं दे रही थी, शिवसेना के प्रवक्ता बयान दे रहे थे। कंगना रनावत पे शिवसेना के प्रवक्ता बयान दे रहे थे। और आज बॉलीवुड की जांच पर भाई पुलिस बोले, महाराष्ट्र की इंटेलिजेंस एजेंसी बोले ना, वो बयान दे रहे। तो मुझे लग रहा सारे काम छोड़कर केवल बॉलीवुड के मामलों के ऊपर बयान देना, टिप्पणी करना, यही वर्तमान सरकार का काम रह गया है और उसके पास कोई काम नहीं। क्या छिपा रहे किशोर तिवारी जी? ड्रग्स के केस में, ठीक है सुधांशु जी पूरी कर ले बात, सुधांशु जी पूरी कर ले, ठीक है लास्ट टाइम बोल रहे हैं। दुर्योग कहूं कि पता नहीं क्या हो गया, सरकार आने के बाद हमेशा आपराधिक तत्वों के साथ करते हैं। पहले कह दिया कि जी वो तो बच्चों की वजह से हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत ने पहले ही कह दिया कि साहब वो तो उनका पारिवारिक मामला था, ठीक है। तो किसी न किसी मामले में आप हमेशा अपराधियों के बचाव में क्यों बोलते रहे? और आज जो बयान दिया है, तिवारी जी सुनिए, पढ़ाई करके आया कहा जाता था, एक समुदाय विशेष को टारगेट किया, पढ़ाई करके आया, शिवसेना इसका विरोध करती थी टाटा के जमाने में, याद करिए हमारी सरकार में आया नहीं था, राजीव गांधी सरकार में आया, नरसिम्हा राव सरकार में गया, तब शिवसेना कहती थी बकवास है, जो आतंकवादियों पे कार्रवाई हो रही है वो आतंकवाद के कारण हो रही है, तब वो लोग कहते हैं विशेष समुदाय को बनाया जा रहा है। आज शिवसेना वही बात कर रही है, याकूब मेनन आएंगे और बाद में ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग आएंगे। अरे हमारा जो बोला है उस पर बोलिए ना किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, आप सुनिए, जांच कर रही है एनसीबी, किशोर तिवारी जी बताइए, संजय राउत जी क्या है, वो तो सरकार में भी नहीं है भाई, आपकी सरकार क्यों पार्टी बन रही है? हो रही नहीं हो रही, ड्रग्स जैसे क्राइम में, ड्रग्स जैसे, मेरा सवाल सुनिएगा पहले, किशोर तिवारी जी, ड्रग्स जैसे क्राइम में सरकार क्यों पार्टी बन रही है? जब वो बयान देते थे सुशांत सिंह राजपूत के पिता के खिलाफ में, तब क्या वो आधी अधूरी जानकारी के बिना नहीं देते थे? तब उनके पास क्या था, उस सबूत था? अंजना जी, मेरी बात मैं पूरी कर लूं? जवाब दीजिएगा, चुटकुला मत सुनाइएगा। देखिए, बॉलीवुड की गंजट्टी गैंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। गंजट्टी गैंग को आप जेल में डाल दीजिए, कुछ भी कीजिए, आप हमें कुछ करना नहीं। आप बॉलीवुड को बदनाम कर रहे, बंबई को बदनाम कर रहे, ये सब गलत है ना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।